रीवा में बेटियों से रेप करने वाला पिता गिरफ्तार हो गया है। पत्नी विरोध करती तो करता था मारपीट, 7 साल बाद दर्ज कराई FIR। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले की महिला थाना पुलिस ने 2 बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 साल से आरोपी पिता अपनी एक बालिग और दूसरी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना रहा। जब भी पत्नी विरोध करती तो नशे के हालत में मारपीट करता था। डर के मारे पत्नी कभी गाँव तो कभी शहर में किराए का रूम लेकर बेटियों की इज्जत बचाते घूमती रही, लेकिन पति की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। अंततः बेटियों के साथ हो रहे जुल्म से तंग आकर बीते दिन मां फरियाद लेकर महिला थाने पहुंच गई। पीड़ित मां और बेटियों के साथ हुए जुल्म की दास्ता सुनने के बाद महिला थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद सगरा पुलिस की मदद से आरोपी पिता को पकड़ कर थाने लाया गया, जहां रविवार की दोपहर न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि सगरा थाना क्षेत्र की एक मां अपनी 2 बेटियों के साथ फरियाद लेकर आई थी। बयान के बाद महिला थाने में अपराध क्रमांक 692 IPC की धारा 376(2), 5 या 6 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तब पता चला कि आरोपी पिता 7 साल से 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। माँ और बेटियां डर के मारे चुप्पी साधे रहीं। उनको लगता था कि शायद शराबी कभी सुधर जाए, फिर भी पिता की हरकतें कम नहीं हुई। ऐसे में तंग आकर माँ बेटियों को लेकर घर से निकल गयी। वह रीवा शहर में आकर एक किराए के मकान में 8 माह से रहने लगी थी, लेकिन यहाँ भी पिता पहुँच कर दबाव बनाता। वह कहता था कि बेटियों को घर भेजो। पीड़ित माँ ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदि था, लेकिन नशे की हालत में बहक कर बेरहम हो जाता था। रोजाना मारपीट और विवाद करना उसकी आदत का हिस्सा था। जब भी रात में शराब पीकर पहुंचता था तो बेटियों के साथ जबरन दुष्कर्म करता है। पहले बड़ी बेटी को ही हवस का शिकार बनाता था, कुछ सालों बाद नाबालिग बेटी के साथ भी रेप करना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।